के बीच बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की लिबरेसी, व्हाट इज द लिबरेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन। ये लिबरेसी जो है दूसरों में कैसे फैलता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, लिबरेसी सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। ये एक स्किन की बीमारी है, इसको हिंदी में कोढ़ कहते हैं। कास्टिव एजेंट की बात करेंगे तो लिबरेसी हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज, हैंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी रिसर्च किया था, शोध किया था, उनके नाम से इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शस डिजीज कास्ट बाय माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। जो बैक्टीरिया का नाम है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे नाम के वजह से जो है बीमारी होती है। दिस इज द कास्टिव एजेंट। साथियों, अगर किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स, लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो क्या इट अफेक्ट मेनली द पेरिफेरल नर्व्स एंड आल्सो द अफेक्ट स्किन, मसल्स, आई, बोन्स, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है, पूरे शरीर में जो है स्किन को जो है विकार कर देता है और स्किन खराब कर देता है। नर्व्स पे भी प्रभाव करता है, आईज हैं और हड्डियों को भी इन्फेक्टेड कर देता है, टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन तक इसका जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिप्रेसी आर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं एंड पार्शियल एंड टोटल लॉस ऑफ जी कुटेनस सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया। और जहाँ पे स्किन में होता है वहाँ पे कुछ भी चुभाएंगे या इस तरह से तो वहाँ बॉडी जो है सेंसेशन नहीं होता है, तो मतलब कि लिप्रेसी उसको हो गया है। एंड थिकनिंग ऑफ नर्व, और नर्व जो है बहुत कमजोर और बहुत पतली टाइप की हो जाती हैं। और प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई इन द स्किन एंड नेसल स्मियर्स। और जो है बैसिलाई क्या करता है, बहुत फास्ट स्किन में फैलता रहता है अगर उसका इलाज नहीं किया गया, और नोज में स्मियर्स मतलब नोज में भी फैल जाता है। साथियों, ट्रांसमिशन की बात करेंगे कैसे फैलता है। लिप्रेसी इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट। तो सबसे पहले सम टाइम इट इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू नेसल ओरल सिक्रीशन ऑफ द पेशेंट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये है कि साथियों उसके संपर्क में कोई मरीज आता है, कैसे खांसता है, छींकता है, या जैसे उसके साथ बैठता है, टेबल है, उसका रुमाल है, उसका मोबाइल है, उसके साथ उसका जो है टच करता है, उससे ये फैल सकता है। और फोमिट्स, उसके जो भी आर्टिकल्स है जैसे कंबल है, उसका टावल है, उसको छूने से जो है ये इन्फेक्शन फैल जाता है। फोमिट्स आल्सो ट्रीटमेंट ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन। साथ ही साथ साथियों बात करेंगे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। तो क्या है, डिटेक्शन ऑफ केसेस लिप्रेसी एंड ट्रेकिंग द कंटेंट स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ द पेशेंट हाउस। अगर किसी को हो गया है तो उसको सेपरेट रखते हैं, आइसोलेट करके, और बच्चों को इससे बहुत दूर रखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कंटेंट बिटवीन द पेशेंट अदर नॉर्मल पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन, और उसको जो है कंटेंट से दूर रखते हैं जिसको इन्फेक्टेड है, और बच्चों को तो और ज़्यादा क्योंकि उनके अंदर जो है ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है कीमो प्रोफाइलेक्सिस विद डैप्सन। डैप्सन जो है लिप्रेसी की एक दवा है, उससे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड सेलेक्टिव आइसोलेट एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट करते हैं, और उसको स्पेशली आइसोलेट सेपरेट रखते हैं मरीज को, और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराते हैं, सीविंग एक्यूट रिएक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, ताकि किसी और को ना फैले और कोई दिक्कत ना आए। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट विद डैप्सन, जैसा कि बहुत पहले ही बताया, और हाई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर की सलाह से। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद सुटेबल वर्क, और उसको रिहेबिलिटेट करते हैं और उसको जो है मोटिवेट करते हैं ताकि नहीं फैलेगा, इस तरह से उसका जो है मोरल हाई रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, पब्लिक शो करते हैं कि क्योर्ड है कम्प्लीटली अगर शुरुआत होती है, तो इस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। और लिप्रेसी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है, नेशनल लिप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट 1959 एंड 1983। भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो सीएससी और पीएससी पे समय समय पे इसके जो है कैंप लगते रहते हैं। तो इसी के साथ साथियों विराम देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।